सो है गाइस, मैं किशन जीराज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका विंडो 10 जो है काफ़ी ज़्यादा डाटा यूज कर रहा है तो किस तरह से उसको जो है कम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है विंडो बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो है सर्च वाले बार में हम लोग टाइप करेंगे सर्विसेस। तो सर्विसेज हम टाइप कर लेते हैं। तो सर्विसेज जो है हम टाइप कर रहे हैं। दोस्तों, हम आप लोगों से बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो सर्विसेज टाइप करने के बाद में मैंने जो है इंटर कर दिया। उसके बाद में हमारे सामने ये डायग्राम ओपन होके आ गया है सर्विसेज का। आपके सिस्टम में अब जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल हैं और जितनी भी सर्विसेज बैकग्राउंड में रन होती हैं उनका यहाँ पर पूरा लिस्ट मिल जाता है आप लोगों को। अब इस लिस्ट में आप लोगों को खोज लेना है विंडो अपडेट कहाँ है। तो विंडो अपडेट को जो है हम खोज रहे हैं, डब्लू प्रेस करते जाइए और ये फाइनली जो है विंडो अपडेट मिल गया। और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में ये अभी जो है ओपन होगा, आप लोग देख सकते हैं ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे डिसेबल वाले पे। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, तो आप पे मैनुअल ऑटोमेटिक होगा तो इसको डिसेबल कर लेंगे। डिसेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में अप्लाई के बाद में ओके कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो है जा कर के कट कर देंगे, ये बंद हो गई। अब सिंपली जो है हम लोगों को जाना है अपने वाईफाई वाले ऑप्शन पे। वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आप लोग ये जो है यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में अगर इस तरह से विंडो ओपन होता है तो इसको कट कर देंगे। उसके बाद में फिर से जो है वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में फिर से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। उसके बाद में इस तरह से जो है एक नई विंडो खुल करके आएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, पब्लिक और प्राइवेट। तो आप लोगों में जो है पब्लिक होगा तो उसको सिंपली आप लोग यहाँ पे प्राइवेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप लोग आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज मेटेड कनेक्शन, ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर देंगे। अब ऑन करने के बाद में सिंपली आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर पे आके इसको कट कर देना है, यानी कि बंद कर देना है। अब आपका जो है डेटा हमेशा सेफ रहेगा और डाटा जो है ज़्यादा यूज नहीं होगा। दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए।